सब्सक्राइब करें विनोद की रसोई चैनल को, बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास फौरन पहुंच जाए। नमस्कार, विनोद की रसोई में आपका स्वागत है। आइए आज हम बनाने जा रहे हैं बथुए की पूड़ी, जो कि सेहत और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया होता है बथुआ। और इसकी हम पूड़ी बनाएंगे जिसको बच्चे और बड़े सभी खाना पसंद करते हैं, और इसको आप नाश्ते के रूप में इसको आप दें। इसके लिए हमने लिया है गेहूँ का आटा करीब 300 ग्राम, ये हमारा 6 से 7 कली लहसुन की, ये लहसुन हम इसमें डालेंगे तो इसका स्वाद अलग बढ़िया बन जाता है। लहसुन को हमने कद्दूकस कर लिया है इस तरह बारीक बारीक, ये हमने करीब 8 से 10 कलियां लहसुन के लिए, जिससे हमारे बथुए की पूड़ी का स्वाद एक अलग तरह का हो जाएगा। और हमने करीब 100 ग्राम से ज़्यादा हमने बथुआ लिया था, जिसको हमने धो के बॉयल करके इसको हमने मिक्सी में पीस लिया है। नमक स्वाद अनुसार हम सबसे पहले आटा गूंथेंगे। इसके लिए हमने बर्तन लिया है, उसमें हम या आटा डाल देंगे गेहूँ का, और इसमें हम कटा हुआ लहसुन डाल देंगे, नमक डाल देंगे, और हमारा ये बथुआ एक कटोरी हम पहले इसी से सानेंगे। अगर कम अगर लगेगा तो हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, सबसे पहले इसको मिक्स कर लेंगे हम। और इसमें हम पिसा हुआ बथुआ डाल देंगे और पहले से हम इसको मिक्स कर लेंगे। हमने बथुए को मिक्स कर लिया है, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको हम गूंथ लेंगे। और इसको हम मसल मसल के इसको 3 से 4 मिनट इसको ऐसे मसल लेंगे, और इसका हम से एक सॉफ्ट आटा बनाएंगे। अब इसमें हल्का सा तेल लगा देंगे, इसमें करीब हम 1 चम्मच और डालेंगे, और इसको गूंथ लेंगे। और इसको हमने आटा गूंथ लिया है, और इसको हम करीब 10 से 15 मिनट इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जिससे हमारा आटा और सॉफ्ट हो जाएगा। 15 से 20 मिनट हो गए और आटा भी हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो गया। अब हाथ में हल्का सा ऑयल लेके और इसको इस तरह लगा के एक बार से इसको फिर गूंथ लेंगे, और इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, अब इसकी हमारी पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनेंगी मुलायम। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे, और इसकी पूड़ी बहुत छोटी छोटी बनाएंगे, बहुत बड़ी नहीं बनाएंगे, तो उसमें इस तरह नींबू के आकार के इससे छोटे छोटे हम गोलियां बना लेंगे इसकी। इस तरह देखिए हमने इस तरह की पेड़े बना ली हैं, और हमने एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया, जिसमें हमने रिफाइंड ऑयल डाल के गर्म हो रहा है वो, और इससे हमने गोलियां बना ली। अब हम इसकी पूड़ियां बनाएंगे, और हमने ये हमने किचन रैक है इसको हमने साफ कर लिया है, हम इसको इसी पे बेलेंगे। और इसके लिए हम एक इस तरह पेड़ा उड़ लेंगे, और हम सूखे आटे में हल्का सा इसे प्रेस करके इसको हम बेल लेंगे, और इसको हम इसकी हमें बहुत ज़्यादा बड़ी पूड़ी नहीं बनानी है। और इस तरह हमने गोल गोल पूरी हमने बेल ली है, और इस तरह और हम बेल लेंगे। और इस तरह हम सारी पूड़ियां इस तरह हम बेल बेल के हम सब रख लेंगे, और तेल भी हमारा ये गर्म हो चुका है। इस तरह हमने 6 से 7 पूड़ियां एक बार में बेल ली,
और तेल भी गर्म हो चुका है, हम पूड़ियों को तल लेंगे। और हमारा ये रिफाइंड ऑयल भी गर्म हो चुका है, और इसके लिए हमें गर्म ही कढ़ाई चाहिए और गर्म ही तेल का, तभी हमारी पूड़ियाँ कभी खस्ता बनेंगी। और अब हम इसमें पूड़ी डाल देंगे और इसको हम कच्ची की सहायता से घुमा घुमा के इसको सेक लेंगे। और इस तरह की पूड़ियाँ बच्चों को बहुत ही पसंद आती हैं। बच्चे वैसे बतवे के का साग या कोई कुछ खाना नहीं पसंद करते हैं, तो आप इन्हें पूड़ी या पराठा और पूड़ी बना के इनको दें तो बच्चे भी खाएंगे और बच्चों के सेहत के लिए भी फायदेमंद है। और इस तरह हम इसको पूड़ियों को घुमाएंगे इसको, और इसको पलट के, और एक तरफ सीखने के बाद हम इसको धीमे से इसको पलट लेंगे। देखिए एक तरफ हमारे बढ़िया से सीख गई है, और इस तरह एक ही दो दो पूड़ी हम एक बार में तल लेंगे। अभी हमारी पूड़ी दोनों तरफ से सीख गई है, और एक पूड़ी बनने में कम से कम 1 मिनट से 2 मिनट लग ही जाता है। और इसको हम निकाल लेंगे, देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सीख गई है। अब हम दूसरी पूड़ी डाल देंगे इसमें, और इस तरह सारी पूड़ियाँ हम तल लेंगे। आप इसे चाय के संग और अचार के संग इसको सर्व करें। इस तरह हमने इस पूड़ी को भी हमने तल लिया है, अब हम और पूड़ियों को तल देंगे इसी तरह। लीजिए बनकर तैयार है बथुए की पूड़ी। आप इसे अचार, मिक्स अचार के संग इसको और चाय के संग इसको सर्व करें, जो खाने में बहुत ही बढ़िया, ये हमारे सेहत और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है ही। आप इसको बनाएं, खिलाएं और हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।